नाज़ मोहतरम तुम वो ये कलाम तुम बूझ ये कलाम तुम वो गुलजार गनई सब तो सखियन हिंद हट कूत खूबसूरत उस ये कलाम तुम वुछान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के गुड मॉर्निंग जे एन के मो वक्त कि समखाओ तुम अज किस महमानस आ आज से साल अन मे पे स्टूडियो मे खास महमान आगाजे मे पो मे वसाफ सब कि तुम क्या आज ये इत पेट आम गेटअप क्या तुम नुमुत आज से गेटअप अमे मूजूब नुमुत क्या कि महमान सन युद तल्लुक फैशन डिजाइनिंग सत्य फैशन डिजाइनर सानी तिम वो वक्त फैशन डिजाइनिंग सुड़ित तुम तो नबर काम करान तो यो पन फन आज पूरे मुल्कस मातनोत आ बहुस कत कर शाहिद रशीद भट्ट साहब शाहिद साहब आपका बहुत बहुत इस्तकबाल स्टूडियो में अस्सलामुअलैकुम सबसे पहले और आप लोगों का बहुत शुक्रिया यहाँ पे बुलाने के लिए ये हमारे लिए फख्र का मकाम है कि हमारी सन ऑफ सॉइल हमारे आप हैं और आप एक कामयाब फैशन डिजाइनर की हैसियत से काम कर रहे हैं और आज हमें मौका मिला है कि हम आपसे कुछ लम्हे आपकी जिंदगी के चुरा के अपने नाजरीन तक पहुंचाएं। बहुत खूब आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, आपसे हम जानेंगे आपकी जिंदगी के बारे में, आपके सफर के बारे में, उसके बाद जो हार्डशिप्स आपने इसमें देखी क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक आसान सब्जेक्ट नहीं है, उसके साथ साथ फैशन डिजाइनिंग फिर कश्मीर में करना वो आसान नहीं होता है, तो आपने कैसे किया, क्या मोटिवेशन थी उस पर बात करेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं पहले एक वक्फे के लिए। जी हाँ, एक तिजारती वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे आज के हमारे मेहमान के साथ। कहीं जाइएगा मत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है, इतनी सर्दी में तो सीमेंट सट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ। हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है हर पेमेंट, उंगलियों पर सेट है, लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी, 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकने रहिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कैडेट, सोचिए अगर असल जिंदगी में ऐसे हालात हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आप 70 साल से ज्यादा के हो या माजूर हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सहूलतें घर बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। गटि मजन यी जुन गाश, अस रूजिन पगहच आश, अस रिश्तन बरहव गोड, अस पखन कढ़व वाश। सेमटेक्स सीमेंट्स, रिश्तन हिज मजबूत इमारत। वेलकम बैक नाजरीन, तो शुरू अपन मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एंड के। और नाजरीन मोहतरम, जैसे कि प्रोग्राम के आगाज़ में हमने बात भी की और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन के हवाले से जो मेरे जो साथी मेज़बान हैं उन्हें डिज़ाइन जो है लगाया हुआ है डिफरेंट शिमबासा फैरन तफपेट पुदुशाल, क्योंकि आज हमारे साथ मेहमान जो तशरीफ़ फरमा है वो फैशन डिज़ाइनर है और बनफ्स नफीस हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाए शाहिद रशीद भट्ट साहब। शाहिद साहब, इस फैशन डिज़ाइनिंग कैश अत पे करो इस तफसर कत क्या कि ये सचस टेलरस तो फैशन डिजाइन मज क्या डिफरेंस ये सब जान, तो मगर तम ब्रो जो आपका बचपन रहा कहाँ से आपका ताल्लुक है, कह जाए सू तुंद ताल्लुक, तलीम तरबियत क्या मामलो रूद,
یو ونیک تانت سفر سہ کھ رود نشہ نما کت میجے تو اس سب کے بارے میں ہمیں بتائیے اور شروع کرتے ہیں آپ کے بچپن سے تو آپ کی جو بچپن کی وہ یادیں ہیں وہ تازہ کیجیے وہ ہمارے ساتھ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے میں بیسیکلی ضلع پلوامہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پتھن نام ہے اس کا وہاں سے تعلق رکھتا ہوں اور میری اسکولنگ بھی وہیں سے ہوئی ہے ٹل ایٹھ کلاس اس کے بعد آئی شفٹڈ ٹو مین پلوامہ تب تک میں نے آنیسٹلی پلوامہ نہیں دیکھا تھا ڈسٹرکٹ مارکیٹ نہیں دیکھا تھا میں نے تب تک کیونکہ آئی یوز ٹو بی ویری شائی چائلڈ میں بہت ہی وہ زیادہ گھر سے باہر نکلنے والا بندہ نہیں تھا اور ٹرسٹ میں میں نے کبھی کوئی اسپورٹ نہیں کھیلا تھا تو اس کے بعد میں ٹینتھ کلاس ٹل ٹویلتھ میں نے کمپلیٹ کیا پلوامہ ہائر سیکنڈری سے اور میری جو اسٹریم تھی وہ کامرس تھی اور گھر والوں کو یہ بھی پتا تھی کہ اب کامرس بچے نے لے لیا ہے کیونکہ آئی ہیڈ اے کزن میرا ایک موسرا بھائی تھا جو بتا رہے تھے کہ آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کرنے کے لیے جانا ہے تو ٹویلتھ کے لیے میں نے اچھے خاصے نمبر تو حاصل کیا اراؤنڈ 85% اچھا ہاں پڑھنے میں ماشاء اللہ میں بچپن سے اچھا خاصا تھا اینڈ اندر سے وہ ہوتا تھا کہ میں کسی کا مینٹر بنوں میں کسی کو گائیڈ کر لوں ہاں جی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹویلتھ کا میرا جب رزلٹ آ جاتا ہے تو سارے لوگ گھر پہ خوش تھے میں بھی خوش تھا اینڈ میں کیا ایکسپیکٹ کر رہا تھا میں کیا امید رکھ رہا تھا گھر والوں سے کوئی گفٹ شفٹ ہوگا یا کائنڈ آف وہ جو ایک بچہ اپنے ماں باپ یا اپنی فیملی سے امید رکھتا ہے تو وہاں پہ میں دیکھتا ہوں ایک کتابوں کا ایک بھنڈار ہے چارٹر اکاؤنٹنسی کے بکس کا کامن پروفیشنسی ٹیسٹ جو ایک گیٹ وے ہوتا ہے ٹو گیٹ ان ٹو دس ایگزامینیشن اینڈ آل تو میں نے جی گھر والوں کو بولا ٹھیک ہے اب تو گھر والوں کا دل رکھنے کے لیے کرنا ہی ہے کرنا ہے تو اینڈ دین میں نے گھر والوں کو بولا میں امر سنگھ کالج پہلے جوائن کر لیتا ہوں لیٹ می سی اسی حساب سے پھر میں آگے سے یہ بھی پڑھ لوں گا بیکاز میرا یہ تھا کہ میرے کو اپنے آپ ایشیورٹی نہیں ہے کہ میں کراس کر پاؤں گا کہ نہیں سو دیٹ میرا سال ضائع نہ ہو اس کے بعد میں دلی گیا گھر والوں کو بہانہ بنا کے میں وہاں پہ اس کی ٹریننگ اور اس کا کوچنگ وہاں پہ کر لوں گا تو وہاں پہ دو تین مہینے تو میں نے کر ہی لیا جو گھر والوں کی جو خواہش تھی اس کے بعد ایڈمیشن یہاں پہ نہیں لیا امر سنگھ کالج ایڈمیشن میں نے نہیں نہیں ایڈمیشن میں نے لے کے رکھا تھا امر سنگھ کالج میں ہاں پھر میں ایک دو مہینے کی جو گیپ ملی تھی وہ میں دہلی گیا تھا کیونکہ گھر والوں کا فوکس اسی پہ تھا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رادر دین گیٹنگ انٹو دی کامن سٹریم اور جو آپ کی گریجویشن اس کے بعد میں دلی میں دو تین مہینہ رہا وہاں پہ یو نو فیشن ڈیزائننگ میں تب تک مجھے پتا نہیں تھی اس کو فیشن ڈیزائننگ وغیرہ بولتے ہیں آئی یوز ٹو سے اٹ لائک اسکیچنگ پینٹنگ وہی جو ایک ٹپیکل نام ہم دے ہی دیتے ہیں تو میں کچھ اسکیچز وغیرہ اپلوڈ کرتا تھا فیس بک ان دنوں زیادہ چلاتا تھا میں وہ چلتا بھی تھا میں یہاں پہ آپ کو روکنا چاہتا ہوں ہم سفر میں تھوڑا سا آگے چلے گئے بالکل کیونکہ پہلے ہمیں بتائیے کہ یو سی تو دلی اسکیچ کران تو اس شوق کے بارے میں بتائیے ہمیں کہ لکچارس کت پڑ گو سکوٹ شوق ہاں جی تو ایک چیز مجھے یاد آ رہی ہے آپ کو پتا ہے میں بچپن میں ہی تھوڑا سا ڈفرینٹ زون میں چلا جاتا تھا ٹاکنگ اباؤٹ اردو سے میں اسٹارٹ کر لوں گا اردو سے سیری لکھن رائٹ سائڈ سے دائیں سے لکھتے میں ہمیشہ الٹا ہی لکھتا تھا پھر پیپر الٹا کرتا تھا پھر سر کو بولتا تھا یہ جی میرا کارنامہ یہ پڑھ لیجیے گا تو پہلے ٹیچرس کیا تھے کہ ڈانٹتے تھے جب ان کو لگا کہ مطلب دس از سم تھنگ آرٹسٹک اپروچ کے حساب سے یہ لکھ رہا ہے تو to you know appreciate the things which I was doing jitna sath super karan to uske baad bachpan se hi shauk tha to wishu agar mere paas as such abhi sath nahi wo kitab hai wo notebooks rather than sketches ab side mein rakhe matlab agar main homework jaisa sang karan bus 50% homework karan aur 50% میرا اسکیچنگ اور پینٹنگ سے وہ نوٹ بک بھری ہوتی تھی کریٹیوٹی ہاں اس پہ تو ڈانٹ بھی پڑتی تھی گھر والوں سے بھی پڑتی تھی اسکول ٹیچر سے بھی پڑتی تھی کہ اگر ہم نے آپ کو اے ٹو زیڈ کہنے کو بولا تھا لکھنے کے لیے آپ نے لکھا کیوں نہیں آپ نے پینٹنگ کیوں بنائی تو میں بول بھی نہیں سکتا تھا ان کو کیونکہ پتا نہیں تھی اس ٹائم اتنا ایکسپوجر نہیں تھا میرے پاس نہ میرے پاس وہ مینٹرز تھے جو مجھے سمجھا سکتے تھے یہ بھی کوئی کلا ہی چکا فیلڈ تو مجھے لگا کہ سم تھنگ جو میں ود ایج یا ود جب میں بڑا ہو جاؤں گا یہ چھوٹ جائے گا بٹ فارچونیٹلی میرے ساتھ رہا ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا ماشاء اللہ دیٹ مینس یم ساتھ تو لکچار سم سکیچز اسیو بناوا تم ہے سکیچز سو شو کوس دل میں یم ساتھ تو اتر رت بیٹ ول تہ لگی یم سکیچز اپلوڈ کرن اپلوڈ کرنا اور تھوڑا سا وہ پالش بھی تب تک انسان تب تک اپ کے فن میں بھی تھوڑا سا بہتری اگئی ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی کیونکہ جو سکیچز تھے یم سے مطلب ڈیزائن ہی اپ کرتے تھے کپڑوں کے ڈیزائن واز اٹ سٹچ بھی اس طریقے کے ہاں ہاں میں وہ مطلب ایک تو ہوتا ہے فیس الیسٹریشنز وغیرہ میں اس پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا تھا ہاں آئی یوز ٹو یو نو ورک آن
जो आप लोगों का कॉस्ट्यूम छासन या किसी का कोई कैरेक्टर आपने किसी मूवी में देखा उसको ड्रॉ कर लेना, थोड़ा सा फिर अपना उसमें कुछ इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करना, तो वो एक बचपन से मेरा शौक था। या एडिटिंग की मैं बात करूंगा, अगर कोई मॉडर्न पिक्चर में देखता था जीनिस की कोशर आर्ट वर्क करान, सो दिस वाज यू नो ये बचपन से ही मेरे में थी, बिकॉज एडिटिंग क्रिएशन स्केचिंग पेंटिंग जो भी आर्टिस्टिक अप्रोच की जो चीजें होती थी मैं वो गो यूसु तो ही लक्चार पान पेठे अंदर एक जी जी था मेंटोर उसने कहूं ना उस गरस में तुत का नफरा जो तो ये हिचनाए हो या ये मिस अच्छी सोबत ऐसा तो ऐसा है तुमसे सोबत तब मैं ला रहा मगर जो उसमें शायद रॉबसन तापु गढ़ पेठे तो एग्जैक्ट। और ये भी पता नहीं थी कि इस फील्ड में कोई स्कोप है या मच्छा पढ़ूं तो यवान किन की है, वो भी कोई अंदाजा नहीं था उस चीज का। त्रय दित्व तो दिल में जी इमन त्रय तम क्या सपूत कि तुम जिंदगी बदले इन तीन महीनों में, जैसे कि मैंने बोला कि सोशल मीडिया हैज बीन एक अच्छा रोल प्ले किया मेरे लिए, तो सबके लिए अपना अपना एक ओपिनियन होता है कि मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इज गुड फॉर ऑल अगर आप उसको पॉजिटिव वे में इस्तेमाल करते हैं तब। तो तीन महीने मैं यहां से सीपीटी की कोचिंग भी कर रहा था, यहां से मुझे फेसबुक पे एक फ्रेंड कनेक्ट हुआ सैम विलियम्स जो कि एक फैशन डायरेक्टर था, तो उसे जो मेरे स्केचेस वगैरह देखे वो लाइक्स करता था उसे, उसके बाद मुझे डायरेक्टली मैसेज किया अप्रोच किया कि आप क्या करते हैं और आप कहां से हैं, तो मैंने उसको बता दिया मैं कश्मीर से हूं बट आई एम मैं दिल्ली में हूं अभी। हां जी, तो ही वाज लाइक लेट्स मीट फॉर सम कॉफी एंड ऑल, मैं बोला ठीक है, बोला कि आई विल आप के साथ कुछ काम बन सकता है क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी देखे मुझे लग रहा है कि वी आर इन अ रिलेवेंट फील्ड। तो उसके बाद मैं मिला उनसे, तो उसने मुझे बता दिया कि ऐसे ऐसे जी आप इसमें डिग्री कर सकते हैं, आप इसमें डिप्लोमा कर सकते हैं, तो उसने एक फॉर्म लाया था नेक्स्ट डे, बोला कि ये जी पर्ल एकेडमी का फॉर्म है, इसमें नीड एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर डिजाइनिंग, तो बोल दिया कि आप थोड़ा सा मैं गाइड कर लूंगा। एक महीने में मैंने थोड़ा सारा इधर उधर सीख लिया, गूगल से भी उनसे भी मेंटरशिप ली एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो नीड एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया जी। ये जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई आपने नीड का किया, आपने कहा कि सैम विलियम्स नाम के एक शख्स आपको मिले जो फैशन डायरेक्टर थे, वो आपको दिल्ली में ही मिले या उनसे मिलने के लिए कहीं और जाना पड़ा, और उसके बाद का जो सफर था वो क्या था? जी वो मुझे फेसबुक पे मिले और हम दिल्ली में ही मिले। उसके बाद जी मैंने घर वालों को मेरे हिसाब से 2.5 साल नहीं बताया होगा कि मैं इस फील्ड में कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने सीपीटी का भी सीए का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है मैंने वो भी माशाल्लाह अचीव कर लिया था, मैंने वो भी सिद्धकोर में पास, ठीक है। तो घर वालों को पता थी अब ये इसी कोचिंग के लिए अब ये फर्दर स्टडीज इसी में कर रहा है, तो 2.5 साल के बाद मुझे एक अवार्ड मिला था पर्ल एकेडमी से बेस्ट डिजाइनर स्टूडेंट डिजाइनर जो हम ये करते हैं एमर्जिंग डिजाइनर का, तो एक दिल्ली टाइम्स पे मेरा फोटो आया था और फॉर्चुनेटली पापा भी उसी टाइम उसी साल वहां दिल्ली आए थे, तो एक कट पीस था पेपर का एंड ही वाज लाइक कि मेरे कमरे में से ये कौन है, तो मैं बोला एंड ही वाज मोर देन हैप्पी एंड देन आई थॉट क्या था अचीव करूं। ठीक ठीक ठीक। एंड वहां से मेरा फिर सफर शुरू हुआ, जो जो मैं छुपा के कर रहा था वो मैंने खुलेआम कर लिया, और हाँ मुझे लगा कि दिस इज समथिंग जहां मेरे माँ बाप का सिर ऊपर इज्जत से हो रहा है या घर वालों का या जो मेरे दोस्त वगैरह है, तो मुझे लगा दिस इज समथिंग जो मैं अच्छा कर रहा हूँ और मुझे ये सबको दिखाना चाहिए और ये कंटिन्यू करना चाहिए। तो नीड ये टेस्ट क्वालिफाई करूं तब पत करूं तो एडमिशन एडमिशन करवा तो डिप्लोमा खतरे डिग्री नहीं नहीं डिग्री के लिए। अच्छा जी। अच्छा ये क्या ये इज इट अ बैचलर्स डिग्री? जी मैंने बैचलर्स किया, उसके बाद मैं आया कश्मीर, उसके बाद मैंने किया मास्टर्स इन क्राफ्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, तो उसमें मैंने मास्टर्स कर लिया। उसके बाद मैंने पेरिस स्कूल ऑफ फैशन से 6 मंथ्स का डिप्लोमा किया इन फैशन मर्चेंडाइजिंग एंड फैशन जर्नलिज्म। उसके बाद तो मैंने एक दो जगह पर काम कर लिया और करंटली मैं अभी पीएचडी की तैयारी में। तो ये जो पेरिस वाला है तो ये पेरिस में ही किया आपने या ये ऑनलाइन? पेरिस एक महीना का था और 5 मंथ इट वाज जस्ट ऑनलाइन। अच्छा ये आज सफर में जब से ये सफर शुरू हुआ आपका 12th के बाद तो ये फैशन डिजाइनिंग में कदम थो तो अत सफर में आसन तम नफर मीजमो थप आ करम या नश कह लारूमुत आमन नश कह हेचमुत आम तम नफर? पहले मैं स्टार्ट कर लूंगा, मेरा एक पर्ल एकेडमी में एक मेंटर था आकाश के नाम से, आकाश सर, तो उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है इन चीजों को समझने में, और
उस बंदे का मैं हमेशा शुक्र गुजार रहूंगा, सैम विलियम्स का, क्योंकि ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे बताया कि आपको इस खिड़की से, इस दरवाजे से जाना है और बाकी की जो दुनिया है वो आपको खुद तय करनी है। और कहीं ना कहीं सैम विलियम्स ही थे जिन्होंने आपके अंदर की जो स्पार्क थी वो पहचान ली थी। एग्जैक्टली, ही वॉज द मैन। और बिलीव मी, जितने भी अभी तक मेरे अच्छे खासे फैशन शोज हुए हैं तो ही इज अ चीफ गेस्ट, ही इज अ स्पेशल गेस्ट, जिसको मैं घर वालों से ज्यादा इस चीज को अहमियत देता हूं कि आप सर आ जाइए, क्योंकि आपसे ही मैंने सीखा है, आप ही से मैंने स्टार्ट किया है। माशाल्लाह, बहुत ही खूब। आपने बात की कि अब आप पीएचडी करने की तैयारी में हैं, गोल क्या है? गोल यह है कि घर वालों का भी एक ख्वाब था डॉक्टर के नाम से आपको पुकारा जाए जी, तो अगर फैशन में ही ये पीएचडी कर रहा हूं मैं तो कम से कम डॉक्टर टाइटल तो घर वाले भी खुश, मेरा तो मैं तो खुश हूं इस फील्ड में। यू नो, एक जब आप कोई चीज करते हैं ना उस एंगल से करना चाहिए कि जहां पे आप ही सिर्फ खुश ना हो, जो आपके साथ 10 लोग जुड़े हैं वो भी आपके साथ खुश हो जाए। अच्छा तबरे साहब, ये कितनी बड़ी अच्छी बात है। दो बातें मुझे समझ लीजिए मोटिवेट करें या कि हिशन खतर मिल सुको आख चीज को रिमो की जो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ मीडिया इस्तेमाल आप देखिए किस तरीके से और आप रास्ता फाइंड पॉजिटिवली, ठीक है। और दूसरी बात इनने कही कि पढ़े तरन की ही पढ़े कर कंटिन्यू, और हम देख रहे हैं कि शिकरा ग्रेजुएशन से तमाम ठीक सेट आशू मिल जॉब, क्योंकि क्राइटेरिया जॉब पर उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद पीएचडी, तो काइंड ऑफ एक इंस्पिरेशन भी है अगर उस तरीके से। और कहीं ना कहीं शाहिद साहब में एक बहुत अच्छी बात ये भी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने जो ख्वाब इनके पेरेंट्स ने देखा था इन्होंने वो भी फुलफिल करके दिया कि मैंने अपना सीए का पहला एग्जाम भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता, ये मैं कर सकता हूं, मैं करना नहीं चाहता, मैं ये करना चाहता हूं। तो घर वालों ने शायद इसी वजह से सपोर्ट भी किया और वो कहीं ना कहीं उनका वो जो उनकी जो सेटिस्फेक्शन थी उन्हें वो भी हासिल होगी। तबरे साहब, इससे पहले कि आप कुछ पूछें, मेरे जहन में एक सवाल मतलब जो मैं इनसे जानना चाहता हूं, शायद साहब घर में बताइए, घर में कैसा माहौल था आपका, मतलब घर ऐसा क्या आर्ट के रिलेटेड था कोई वात वस हावा या इससे पर दबो कि घर कुछ माहौल उस तुम्हें साथ सपोर्ट करा, सो कैसा माहौल था घर में? नहीं, मेरे फैमिली मेंबर्स ऑलमोस्ट जितने भी एम्प्लॉयज हैं हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वो सारे हेल्थ डिपार्टमेंट में है, मेरे पापा, मेरे चाचू, मेरे आंटी, सो उस वजह से डॉक्टर एग्जैक्टली एंड डॉक्टर भी छोड़े, देवर लाइक टू कोई प्रोफेशनल स्ट्रीम आपको पकड़नी, और माँ का हर माँ कहती है मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर है ना, तो बाप का भी, बाकी जो कजन वगैरह वो है कि आप टीचर बने, प्रोफेसर बने और चूज एनी अदर स्ट्रीम। तो जी घर में ऐसा कोई सीन था नहीं, बट अगर आप देखोगे अभी भी या उस टाइम भी थोड़ा सा देखोगे, रंग मैंने ही भरे हैं घर के दीवारों के। बहुत ही खूब, इन रंगों पे भी बात होगी और इसके अलावा बात होगी कि आपकी जो स्पेशलिटी है वो क्या कुछ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां वक्त हो चला है एक वक्फे का, एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत। गटिमजन यी जुनगाश ऐसे रूजिन पगहच आश ऐसे रिश्तन बरहव गोड ऐसे पखन कढ़व वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। एंड स्लाइड, जी हाँ, गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा पायदार पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंड स्लाइड सोलर एलईडी होम लाइटिंग, सोलर एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंड स्लाइड लाइए, अंधेरा बगाइए। ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर करनगर श्रीनगर, सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा एंड स्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तियाब है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
वेलकम बैक टू नाज़रीन तो शुरू प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे एन के, और आज हमारे से बड़ी खास मेहमान जुड़े हुए हैं शाहिद रशीद भट्ट साहब, जो फैशन डिज़ाइनर हैं। और मज़ा आ रहा है एक गुफ्तगू में, एक कॉन्वर्सेशन में, एक लाइटर नोट में हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से। तो शाहिद साहब, ये तो अब तक का आपका ज़िंदगी का सफ़र है, वन ये सवाल जानूँ सिंपल पॉइंट कि एकस फैशन डिज़ाइनरस तो एकस सचस एकस टेलरस में क्या फ़र्क, क्या पलव सुत बनाना पलव फैशन डिज़ाइनर तो बनाना, तो मगर डिफरेंस कतन अस क्या पार्न जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग क्या कर जरूरी, इस पे हमें बताइए तफसील के साथ। जी, इस पे मैं एक छोटी बात भी कह सकता हूँ, बट बेहतर है कि मैं थोड़ा इलाबोरेट। जी बिल्कुल, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि वना दस लस्त इंजीनियर मज क्या फर्क फील्डस एंड देन टेलर की मैं बात करूंगा। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं यहाँ से एक फैशन डिजाइनर को रख लूंगा और यहाँ से टेलर को रख लूंगा, तो अगर मुझे जज करना होगा तो आई विल डायरेक्टली गो टू टेलर, बिकॉज उसके पास प्रैक्टिकल नॉलेज है, उसने कहीं से पढ़ा नहीं है, स्टिल वो हमसे बेहतर करता है। बट हमारा क्या होता है कि हम थोड़ा सा आइडिया को ला सकते हैं और एग्जीक्यूशन और शेप जो करता है वो हमारा टेलर ही करता है। तो हम उसको अब टेक्निकली अगर हम एक डिजाइनर की बात कर लेंगे तो उसका जो मेन काम होता है वो होता है फैशन इलस्ट्रेशन। ठीक है, उसको एक स्केच या लेआउट डिजाइन करना होता है, चाहे वो मैन्युअली करे चाहे वो कंप्यूटराइज्ड के थ्रू कर ले। इलस्ट्रेशन दपो इस पर की बनाऊं, सो डिजाइन तैयार कर। एग्जैक्टली, और अभी मतलब अगर मैं अपनी भी बात कर लूंगा, और ये नहीं है कि फैशन डिजाइनर्स प्रैक्टिकल नहीं कर सकते, फैशन डिजाइनर्स भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, बस उसको बोलते हैं कुट्योर गारमेंट। कुट्योर में क्या होता है कि वो एक स्पेसिफिक गारमेंट होता है जो एक डिजाइनर बनाता है, और वो उन लोगों के लिए बनाता है क्योंकि तच लगान टाइम तच मेहनत लगान, तो वो एक बहुत महंगा गारमेंट बन जाता है। सो देट वो टैकल करने काम करने के लिए हम अपने साथ एक टेलर को रखते हैं, सो देट हम उसको एक आइडिया समझाए और बाकी वो इम्प्लीमेंट कर ले। अगर स्पान बीट करने तो अगर जो चीज हम उनको या किसी क्लाइंट को 1000 में देते हैं, सो चीज शायद 10,000 रुपए दो, तो वो चीज मद्देनजर रखते हुए अच्छी काम करन एक टेलर इज समवन जिसके थ्रू हम वो काम करवा के देते हैं। तो फर्क ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि एक जो डिजाइनर है वो थोड़ा नॉलेजेबल होता है इन टर्म्स ऑफ आइडिया, इन टर्म्स ऑफ कैंपेन्स, इन टर्म्स ऑफ इनोवेशंस, ऑल्ट्रेशंस और मॉडिफिकेशंस, क्या क्या गारमेंट को करनी है या कैसा डिजाइन हमें बनाना है, और सारा काम जो संभालता है वो टेलर संभालता है। अगर आप देखेंगे भी, अगर हमारे जितने भी फैशन शोज होते हैं, मतलब हमारा एक टीम होता है, एक डिजाइन टीम होता है हमारा, लाइक वी आर 6 to 10 पीपल इन द टीम, जो एक सारा डिजाइन इलस्ट्रेशन रफ स्केच वगैरह कंप्यूटर पे या आपके डायरी वगैरह पे बनाते हैं। पाछ समझावान ब्याख टीम जो सोर्सिंग फैब्रिक सोर्सिंग वगैरह करता है, उसके बाद हमारा आता है एम्ब्रॉयडरी टीम, तो उसके बाद फाइनली जो फाइनली कट आ जाता है वो टेलर के पास आ जाता है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस एक ब्रिज बीच में है जो हमें कनेक्ट करता है। प्रोसेस इट पुट इज द पग अच्छे टू वर्क और शुड तू बनावान टेम्पो छु फैब्रिक यू राइट टेम्पो छु एम्ब्रॉयडरी के साथ पट टेम्पो छु पुट टेलर सो एक बनावान सॉरी एक साइकिल चलता है। तो पर ये हम कह सकते हैं कि यूस आक फैशन डिजाइनर शोसा तिमश टेलरिंग ते तागा या एग्जैक्टली नहीं टेलरिंग आती है एक इसमें कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स है हमारे ते मना थोड़ा दिमाग इसमें, एक होता है फैशन डिजाइनिंग, दूसरा होता है फैशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, फैशन डिजाइनिंग अगर आप करते हैं तो दैट्स मेनली जो आप बता रहे टेलरिंग, जिसमें आपको एग्जीक्यूशन, जिसमें आपको स्केचिंग वगैरह। अब टॉकिंग अबाउट फैशन टेक्नोलॉजी, इसमें ज्यादा आपको इक्विपमेंट्स के बारे में पता रहती है, लाइक अगर आपकी मशीन खराब होती है या आप फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है यहाँ पे लिवाइस, या जैसे मैं हैंडलूम के साथ काम करता था, आई यूज टू बी देयर फैशन कंसल्टेंट फॉर अ ईयर, मैंने उनके साथ काम किया है, तो आई यूज टू वर्क एज फैशन डिजाइनर। तो मेरा इतना ही काम था कि डिजाइन थोड़ा सा प्रोसेस करना, और उनका एक था फैशन टेक्नीशियन जो कि बाहर का था, जो चेन्नई का था, तो उसका काम था अगर कोई बड़ी मशीनरी खराब होती है हाउ वी कैन गेट दैट अपनी कैरियर की भी स्टार्टिंग फेरन से ही की है और हमेशा फेरन ही रहेगी।
बट वन कमर्शियल पॉइंट पुन वो बिकॉज अपने भी खर्चे होते हैं, अपने साथ 10 बंदों को चलाना पड़ता है टीम में, तो अब फिर हम क्या करते हैं, अब हम बाकी चीजों पे भी फोकस कर, लाइक जैसे आपका जीन्स हो गया, जैसे आपकी एथनिक वेयर हो गया, जैसे आपका कैजुअल वेयर हो गया, जैसे आपका बिस्पोक वेयर हो गया, बट स्टार्टिंग वो जो फोकल पॉइंट हमारा हमेशा से रहा है सुशास फेरर उद, बिकॉज उसकी भी एक हिस्ट्री है जो ऑलमोस्ट मैंने हर किसी के साथ शेयर की है, तो अगर आपकी इजाजत होगी तो प्लीज 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 शेयर कर, हम जानने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, थोड़ा सा सीख लें। तो फेरन का ये सीन है, 2016 में बेसिकली मैं पुलवामा से श्रीनगर आ रहा था सोमो में, ठीक। तो मैं उस आदत लगते फेटे बजाना ज्यादा फेरन लागू के, अगर मैं पहनता भी था वो उसके पानी डिजाइन ओवर ओवर करा या बटन जीट या जो उस टाइम आता था, तो बहुत कोट लगे सोमोस मन, तो मैं सो चाचे बिहित आया सो 50-60 वो उसको फेरन पहन के था, तो पकान बुति चेकिंग चलान एंड देन वो गाड़ी मज बोन क्योंकि उसको डाउटफुल की नजर से देखा, फेरन लगे क्योंकि लूज गार्मेंट है अंदर से कांगरी है, तो मतलब कोई भी कुछ भी जज कर सकता है। एग्जैक्टली, फ्रिस्किंग नॉर्मल फ्रिस्किंग थी, तो वहां पे मुझे आइडिया आया कि मतलब मे लगे वेस्टर्न क्या गार्मेंट एम लगे थ बट यहाँ पे फर्क ये है कि अमिस रुक चाहे मैं रुक चाहे कहीं, तो उसी चीज को लेके मैंने दिमाग में रखा कि फेरन के साथ कुछ इनोवेशन वगैरह करनी है। और जो मेरा पहला फैशन शो था देहरादून फैशन वीक, मैं तमें साथ फेरने को शो केस, एंड एक खुशी की बात ये थी जितने भी इंडिया के टॉप मॉडल थे, सौदा खान था, शाहनवाज आलम था, दुष्यंत सिंह राजपूत जो रेड टेप वगैरह के एम्बेसडर थे, तुम से पकमी मुफ्ती मैंने कलेक्शन खतर, तिकाज भाई ये कश्मीर से आया, हमें कश्मीर से प्यार है, हमें कश्मीर के ट्रेडिशन से प्यार है, तो मेरे लिए एक वो पॉइंट था। और ऑनेस्टली स्पीकिंग उसने तूता गारमेंट खास की था, मेरे उतने फेरन खास भी नहीं था क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट उस टाइम ज्यादा था भी नहीं, ये करुण पे तिको करुण चंद, और एट द एंड शो के जो ऑर्डिनेंस है वो सारे मेरे पास आए, हमें कब मिल सकता है और आप हमें कश्मीर से ये शिप करवा सकते हैं, तो मतलब उतना उसने रेस्पॉन्स अच्छा दिया ना फेरन को, तो मुझे लगा कि फेरन इज समथिंग जिसको हमें ग्लोबल प्रोडक्ट बनाना चाहिए। राइट, तो मेरा फोकस अभी भी उसी फेरन गवर्नमेंट पे ही है। बिल्कुल, और ये जो शाहिद साहब फेरन की बात करो, तो ये तो ग्लोबली अब एक फेरन शाक में मतलब युद्ध पड़ दिया कि एवरीबडी इज लाइक, अगर कुछ स्टेटस में आसान या हम बाहर के ममालिक में भी होते हैं कि फेरन शॉक है आम चीज की, फेरन शॉक बनाए ग्लोबली इसको एक रिकॉग्निशन मिली है। लेकिन शायद सब और भी वारिया तिम कॉस्ट्यूम सानी कल्चर हिस्सा, तो इस हकवा तिम तिथ पट मॉडर्नाइज करित मॉडर्नाइज, तो तोई छुवा तत पर काम करा, बिकॉज़ अभी हम देख रहे हैं कि खाली अशिमा फेरनस पर ही काम करना, तो उस पर आपका है कुछ प्लान? सी मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छे बेसिकली अगर हम हैंडीक्राफ्ट की बात करेंगे ना, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट है हमारे पास, और आते आते समेटे समेटे बहुत कम रह गए हमारे पास, जिसमें से कम जैसे आपके सॉफ्ट क्राफ्ट की मैं बात करूंगा, जिसमें आपका आता है माशी वर्क, पेपर माशी वनान चीज, ठीक है, सोजने आपका आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बाकी चीज में। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूंगा, अभी हम ट्राइब के साथ मेरा एक एसोसिएशन चल रहा है, जहां पे हम क्या करते हैं, इसके एडिडास और कुछ नाइकी जो अभी ब्रांड से क्या मतलब है, मैं समझा नहीं, सॉरी, ट्राइब से क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, ट्राइब बेसिकली एक हमारा एक प्रोजेक्ट है जो ट्राइबली जो एरियाज है, तहमस जो गुजर कल्चर आपका आता है, बकरवाल कल्चर आपका आता है, पहाड़ी कल्चर आपका आता है, जितने भी कश्मीर में कल्चर है या जे एंड के की लद्दाख को लेके हम एक एसोसिएशन चला रहे हैं, तो अच्छी काम करा, जितने भी आपके रीजनल कॉस्ट्यूम्स है तीन चीज थोड़ा, या जो वहां पे क्राफ्ट्समैनशिप है तीन चीज थोड़ा पानवन मिलावान, जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा था, हम एक लिवाइस नाइकी प्यूमा के साथ अभी एसोसिएट ये कर रहे हैं कि अश तुहद फॉर एग्जाम्पल उनके कुछ हमारे शूज आते हैं, तुम शूज है सिवान अस निश, हम उनको एक तो शूज वर्क करके दे रहे हैं ऊपर से, अच्छा, और उस पर हम माश वर्क कर रहे हैं जीन्स पे एक्सेसरीज पे, और हम ये करना चाहते हैं कि जो मॉडर्न वेयर है उसको हम थोड़ा कश्मीरी टच देना चाहते हैं, तो वो हमारी कलेक्शन बन रही है जो हम कश्मीर फैशन वीक हम कर रहे हैं अप्रैल या मई में, तो वो हम वहां पे लॉन्च कर रहे हैं, और हमने उसके लिए सेम के लिए हमने अप्लाई किया है लैक्मे फैशन वीक के लिए, जो मैंने ऑलरेडी दो सीजन खुद किए हैं, बट इस बार हम फेरन को साइड में रखे, जो बाकी आपके यहाँ पे क्राफ्ट्समैनशिप किए जाते हैं वो हमें वहाँ पे शोकेस करें। तो ये जो डिजाइन आपने किए हैं, चाहे वो शूज पे हो या सुपुदस जीन्स पे, ये डिजाइन चाहे अप्रूव गोमुतिन मुझे अप्रूव गसने, ये डिजाइन प्रोसेस चल ही रहा है, माशी का हमारा ये हुआ है अप्रूव।
जो पेपर माशिक है। अभी आप कश्मीर में बेस्ड हैं या कश्मीर से बाहर? नहीं, आई एम बुशुस के दोनों ही जाए ये तथ बाहर भी। हाँ जी, तो यम सात तु पान इस अकेडमी मज फैशन डिजाइनिंग इस तुम्हें प्रोफेशनली ऑप्ट कोरमुत तो उसा कह नजरन मज कह फैशन डिजाइनिंग तु फॉलो इस करा या उस तुहन खतरा आइडियल उस कि मुझे भी ऐसा बनना है? बोसुस आक नफर फॉलो करन उसका नाम है रोहित बाल एंड वो चॉइस कशिर पंडित तो उसका जो क्रिएटिविटी है यूज तुहंत आर्ट छु मुझे लगता है कि दैट इज समथिंग व्हिच इज वे बियॉन्ड और उस लेवल तक अगर मैं एक बार पहुंचा तो मैं बस मैं कर क्या हासिल। वंडरफुल। तो उसके साथ भी मैंने मेंटरशिप में काम किया ही है, उसके साथ भी मैंने कुछ फैशन शोज किए ही है और जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम जो जिसकी मैं बात कर रहा था कश्मीर फैशन वीक तो इंशाल्लाह होपफुली वो उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा एज शो की। बिल्कुल, और इस आपने रोहित बाल की बात की और वो कुछ अरसे से बीमार थे और कल ही उनका एक वीडियो आया सोशल मीडिया दैट ही इज बैक, वो स्माइल करके वो बैक बिकॉज ही वाज इन हॉस्पिटल। तो अब इसके बारे में जानना चाहूंगा कि आज की तुम फील्ड शो फैशन डिजाइनिंग मॉडलिंग ये बड़ा ग्लैमरस है, आज बड़े ग्लैमर अटैच डिस्प्ले ऑफ क्लोथ्स रैम वॉक तो बड़ा एक सबका मुझे लगता है जो यूथस में आसान सारे आसान खाब बुद्ध बना मॉडल खास तौर पे कश्मीर में के अच्छे बासन के अच्छे जो फीचर्स हमारे पास कुछ ज्यादा हैं तो उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए जो फर्स्ट टाइम क्यों एक्सपीरियंस हो व्हेन यू वेंट टू सी रैम वॉक उसके बारे में हम बताइए। सी पहले मैं चला हूं गोइंग फैशन शो कोर में जो मैंने आपको बताया देहरादून फैशन वीक, उसके बाद आई डिड ऑलमोस्ट 24 नेशनल लेवल फैशन वॉक। हाँ, उसके बाद मैंने जापान फैशन वीक किया, जकार्ता फैशन वीक किया है, उसके बाद मेरा न्यूयॉर्क फैशन वीक का सबमिशन हुआ था बट अनफॉर्चुनेटली नहीं जा पाया तो इस बार हम मिलान फैशन वीक में ट्राई कर रहे हैं और उसमें वही हम शोकेस कर रहे हैं जो मैं बता रहा था अभी आपको माशी वर्क एंड देन जो आपकी हाँ जी और बाकी लद्दाख की जो ट्रेडिशन हाँ। वगैरह मिला के हम ट्राइब फ्यूजन है हाँ, ट्राइब जो हमने बताया एक एसोसिएशन जो हमारा ट्रेडिशनल जो भी है और उसके साथ कश्मीर लद्दाख जम्मू कश्मीर लद्दाख का जो ट्रेडिशनल है उन सबको फ्यूजन करके मॉडर्नाइज्ड वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, शोकेस कर रहे हैं वहाँ पे। तो अच्छा ऐसा मतलब आपको जब हम कहीं पे अप्लाई करते हैं किसी शो के लिए तो बिकॉज मुझे नहीं पता है हमें नहीं पता है तो आज देखो कि अच्छा सा मतलब जैसे कि आपने बोला कि मिश्तमु ट्राइबल सो इसमें पर्टिकुलरली आपको थीम रखनी पड़ती है इस थीम पे करना है। बेसिकली अभी जो फैशन शो चल रहे हैं ना जितने भी लीडिंग फैशन शो चल रहे हैं जो टॉप 5 फैशन शो माने जाते हैं वर्ल्ड के अभी वो थीम पे चल रहे हैं। लास्ट टाइम वो चल रहे थे कि सस्टेनेबल फैशन क्या हो सकता है, अच्छा हाँ जी ग्रीन फैशन क्या हो सकता है, अभी जो फैशन है वो फ्यूजन फैशन है तो इस साल हम उसी पे कोशिश कर रहे हैं। वो फॉर्चुनेटली हम ऑलरेडी उस प्रोजेक्ट पे काम कर ही रहे थे तो रिसेंटली हमने एक परसों एक आर्टिकल देखा तो तिम चुनके फ्यूजन फैशन ये करान टू गेट इन टू तो इस करो तहमद इंशाल्लाह शमूल। अच्छा इस पे हम बात करेंगे और भी सवाल है मेरे जहन में, तबरेज भाई के भी जहन में बहुत सारी बातें आपसे जानने की कोशिश करेंगे इमना इस पता शिंद और हम जानने की उनको कोशिश करेंगे लेकिन एक वक्फे के लिए रुकना होगा। ये गुफ्तगुनीर हम नाज़रीन जारी रखेंगे ऐसी लेकिन एक छोटे से वक्फे के लिए रुकते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जेएनके। कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बनाओ। एंडर स्लाइड जी हाँ गारंटी के साथ चलने वाला आजमूदा पायदार पिछले कई सालों से वादी में बिजली की कमी को दूर करने वाली एंडर स्लाइड सोलर एलईडी होम लाइटिंग, सोलर एलईडी, एलईडी बल्ब, एलईडी टॉर्चेस और सोलर लैंटर्न। एंडर स्लाइड लाइए अंधेरा बगाइए। ऑथराइज्ड स्टॉकिस्ट स्टार वैली सोलर करण नगर श्रीनगर सेल नंबर 7006694126। इसके अलावा एंडर स्लाइड प्रोडक्ट जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हर जगह दस्तियाब है। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के और गुड मॉर्निंग जैन के में एक बहुत ही दिलचस्प गुफ्तगू चल रही है आज के हमारे गेस्ट के साथ। जी हाँ, शाहिद रशीद भट्ट साहब जो कि एक फैशन डिजाइनर है उनसे गुफ्तगू हो रही है, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैशन डिजाइनिंग होता एक्चुअली क्या है। शाहिद साहब, आपने आगाज में ही बातों में बात कही थी कि मैंने अपने घर की दीवारें रंगी हैं, उसके हवाले से थोड़ा सा बताएं वो क्या कहना चाह रहे थे आप? ये कहना चाहता था
एज आई सेड मैं वो गुडनेथी आई सॉरी फैमिली इन टू हेल्थ डिपार्टमेंट एंड आपको भी पता होगी ये हॉस्पिटल्स में आसान छु पत नेबर छु नेरा सो मुशुक छु आसान नाइल गेट ऑल स्नैप समथिंग गलत नहीं हो मतलब हां में रह जाता है तो जो ही मेरे पापा या मेरे चाचू घर आते थे बिकॉज वी यूज टू बी लिव इन अ जॉइंट फैमिली तो ऐसे आसान अंदर के जब भी वो सुना अपने जो कजिन सुनान पक्यू हॉस्पिटल दिम हॉस्पिटल क्योंकि ये सू मुश्किल तो उसके बाद मेरे कजिन बोलते थे वह क्या करो दोपस ठीक है मुश्किल तुश्किल जालो जो हमारी कश्मीरी जिस बरत और देन फिर मैंने कजिन को अपने साथ जोड़ के दोपस ऐसा हो गया रंग वगैरह फिर जो बा बोलेगा देखा जाएगा या गैरी क्या होना इस करो क्या थोड़ा बहुत ये थे आर्ट डिफरेंट हाँ डिफरेंट करेंगे तो वही कहना चाहता था घर का जो भी कॉर्नर था जिसमें बासो पड़ा है उसको हमने थोड़ा शेप दे दिया उसको हमने थोड़ा रंग कर लिया सो दैट हमने उसको अट्रैक्टिव बना दिया और ट्रस्ट में जो मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट किया 2014 में तो मैं शुद्ध थे कमरे पर स्टार्ट करूं तो वहां पे मैंने अपना लोगो वगैरह ऐसा भी स्टाइल और बाकी जो फैशन इलस्ट्रेशन जो मैं बात कर रहा था मिश्र तम ड्रा कर मित और मैं पे उन हायर कर उनका स्टूडियो किया मैं पे उन हायर कर बाकी के चीज के मैंने घर से ही स्टार्ट किया अपना बिजनेस मॉडल जो मेरा था मैं कुर्स घरे पर स्टार्ट घर की दीवारों से स्टार्ट किया इसलिए मैंने आपको बोल दिया कि मैं घर के दीवार से रंग अच्छा तब्रेज भाई इससे पहले कि आपके लिए कॉम्प्लीमेंट है एक मैं देख रहा था तो आपका जो ये शॉल है बड़ा रंगीन लग रहा है और ये जो आप टफ कंपटीशन दे रहे हैं हमारे मेहमान को फैशन डिजाइनर को लाइटर नोट नहीं ये तो मेरे लिए फखर का मकाम है कि आज मुझे इतने होनहार नौजवान के साथ बैठने को मिला है और कहीं ना कहीं खुशी होती है जब ये पता चलता है कि ये हमारे ही यंग जमीन से है और जिन्होंने इतना नाम कमाया है इतना कुछ अचीव किया है शायद आपने कहा कि अप्रैल में आप अपना फैशन वीक कर रहे हैं जी ये प्रोग्राम्स आपके चलते रहते हैं आपके प्रोग्राम्स में जम्मू कश्मीर की यूथ को कितना मौका मिलता है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी होती है उनके लिए रोजगार होता है आपके साथ जी बिल्कुल होता है अभी हमने एक प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया है क्यूएस प्रोडक्शंस जो कि ओएस ऋषि मैनेज कर रहे हैं और आई एम द को-फाउंडिंग मेंबर उसमें हमने अभी तक 2500 आर्टिस्ट्स रजिस्टर किए हैं उसमें आपके मॉडल्स है उसमें आपके सिंगर्स है उसमें बाकी जो क्रिएटिव फील्ड से आते हैं उसमें हमने उन सबको इन्वॉल्व करके रखा है और टॉकिंग अबाउट जैसा आप बता रहे थे उनको आप कोई स्कोप वगैरह प्लेटफॉर्म विद सम अर्निंग देते हैं कि नहीं वो ये है कि हमने रिसेंटली कुछ ऐसे फैशन शोज किए जो कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार हुए जैसे कि हमने फैशन कनेक्ट इंडिया का हमने ललित में एक फैशन शो किया जो कि सिर्फ इंडिया के दो डिजाइनर थे एक मैं था और एक राजस्थान का डिजाइनर था जो ललित में विटनेस हुआ कुछ टाइम पहले उसके बाद सर हमने अलाउ लेटर टू कश्मीर एक इनिशिएटिव ले लिया फिकी वुमेन ग्रुप चलता है जो वुमेन पावर के उनके लिए काम करते हैं तो एस्कोर वरुण बहल दो तीन महीने पहले हमने दूसरा फैशन शो ललित में किया उसमें भी हमारा क्या था 40% मॉडल्स हमारे बाहर के थे 60% हमारे लोकल मॉडल्स थे जी क्योंकि जब उन्होंने मुझे फोन किया देवर लाइक कि कश्मीर में मॉडल्स मिल सकते हैं कि नहीं सो दैट हम दिल्ली और बॉम्बे या जम्मू से लाएंगे मैंने बोला भाई आप यहाँ पे आ जाओ आपको किसी भी चीज की जरूरत हाँ जी वो प्रोडक्शन से लेके जितनी भी चीजें वो बाहर की सोच रहे थे एस्कोर ये पर स्टार्ट क्योंकि घर पे शुरू आसान करो शायद सब तुम वो क्या तू छू कंटिन्यूअसली कायम से जुड़े छू सोन यूथ वनकस टेलीविजन स्क्रीन पर वा तुम आज बसान कि शायद सब आमुत कागजस पे रिख दिम तो बनो फैशन डिजाइनर मगर यो जान कि शायद सब रूटीन क्या शायद सब कस गंट दोहस काम करा ताकि सनिस यूथस तरह फिक्र कि कहीं तो चीज सहल आसान जिंदगी में हासिल कर ओवर नाइट कहीं तो स्टार बना एग्जैक्टली पहली बात तो मैं यही करूंगा कि अच्छे वन फैशन डिजाइनिंग एक दिखने सुनने में जो ये नाम है ना ये थोड़ा सा ये लग रहा है कि इसका इजी सब्जेक्ट और ये लग रहा होगा कि कोई एंटरटेनमेंट वाला ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे लगता है कि बेशक वारे मेहनत करम सत मज आई स्टिल रिमेंबर कि जब 3 बजे जुकी मशीन पे वो कुछ इलस्ट्रेशन पे फिर मुझे जो एक प्रोजेक्ट बनाना होता था जो मुझे सबमिट करना होता था चुना वाना सो अच्छन छु गाज गसान क्योंकि आपको सुई पे एक फोकस करना होता था जैसे डॉक्टर छु करान कोई सुई पे फोकस एंड देन वो इंसर्ट कर लेता हो जाता है क्योंकि हमारी वो सुई की जो प्रोसेस है वो 1-2 घंटे चलती है जब तक हमारा आउटकम या जब तक हमारा फाइनल रिजल्ट नहीं मिलता है तो इससे वेरी टॉकिंग अबाउट द एजुकेशन फील्ड उसमें भी टफ है
बट जब आप मेहनत करते कोई चीज टफ नहीं रहती. आप ये दिमाग में रखें कि टफ है तो नहीं करना है, कोई भी मुश्किल चीज आप हल कर सकते हैं व्हेन यू हैव द इंटेंशन इज ऑफ डूइंग. अच्छा शाहिद साहब, यहाँ पे मुझे ये जानना होगा कि एज यूश में बड़ा आपने सस्टेनेबल फैशन की बात की, तो मुझे सोचा कि वारिया तिम क्लोथ्स यू मैं रैम वॉकर्स पर पूछा, दे आर वेयरिंग दीज न्यूज पेपर्स या डिफरेंट क्लोथ जो हमें लगता है रियल लाइफ में पॉसिबल कैरी करित के, तो क्या उसका मकसद था? मैं आई ऑलवेज यूज टू थिंक एम क्या मकसद छू, मतलब ये हेकन बाई करित के लेट्स आप डिस्प्ले करते हैं अपने प्रोडक्ट्स, वो तो हम बाई नहीं कर सकते, वो हम लगा नहीं सकते, तो क्या उसका मकसद होता है? इससे जोड़ भी ये थी कि आजकल ऑर्गेनिक फैब्रिक हाँ जी, तो इसमें जो हम ज्यादा फैब्रिक यूज करते हैं इसी कारण हम खादी के एक्सट्रैक्ट या लिनन के एक्सट्रैक्ट जो कि खादी का पार्ट है, तो यही दो कॉम्बिनेशन से हम एक फैब्रिक बनाते हैं, रस्टेड फैब्रिक उसको बोलते हैं, तब मचाए वूल दीवान, तब मचाए सिल्क दीवान, उसमें हर कोई फैब्रिक आ जाता है बट वो एक रस्टेड होता है. रस्टेड कैसे आसान, अगर आप वो 10 मिनट या 10 मिनट भी छोड़ा आप एक घंटा वो मिट्टी में रखोगे ना सुश गला तथम, तो कॉन्सेप्ट उस फैब्रिक का वो है. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूछो, मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, हम सिलमपुर दिल्ली की बात करेंगे जहाँ पे फैब्रिक ज्यादा बन के आता है, आप वहाँ पे जाएंगे आप वहाँ पे देखेंगे पोल्यूशन कितना है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन. जस्ट बिकॉज वहाँ पे वो वाले फैब्रिक यूज होते हैं जो हम खुद यूज करते हैं, बिकॉज हम वो एक स्कोप नहीं, एक ही स्कोप पकड़ के बैठे कमर्शियलाइज और हमें पैसा कमाना है. और जो अभी फैशन इंडस्ट्री जो अभी ट्राई कर रही है वो ये कर रही है कि एक तो आप लोग फैशन भी करें, एक तो आप लोग अच्छे खासे स्टेट में भी और जमीन को भी बचाए, आपका जो एनवायरमेंट जो आपका है वो भी सारा क्लियर रहे. तो उन हवाले से जो आप लोगों ने बताया उसका आइडिया क्या होता है, वो ये आइडिया होता है कि जो आप इसने बता दिया न्यूज पेपर वगैरह का, वो ये है कि वेयर एंड टियर, आप जो एक कॉस्ट्यूम पहनते हैं उसके बाद आपको खत्म करना है या खत्म अगर न करो लगे तो वायर हेलेट, बट इट शुड बी सम ऑफ द कॉस्ट्यूम जो कि सोसाइटी पे या एनवायरमेंट पे इशू ना बन जाए, ना डाले बिल्कुल गलत, तो एक कैंपेन चलते हैं जी. अच्छा, जितने भी जी जितने भी अभी बिग हाउसेज है लाइक आपके कोको शनेल, आपका बैलेंशियागा, बालमैन है, वो सारे इसी सस्टेनेबल फैशन पे काम कर रहे हैं. अभी यहाँ पे हुआ था न्यूयॉर्क फैशन वीक हुआ था कुछ टाइम पहले, वहां पे चल रहा था द समर हीरोज, तो समर हीरोज की यही स्टोरी थी, एक प्रोडक्ट ऐसा बनाना है जो कि हीरो प्रोडक्ट हो, हीरो प्रोडक्ट जो कि हर चीज से लड़ सके. बिल्कुल सही, तो ये जो हर चीज के लिए साफ हो. एग्जैक्ट. और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो शेड्यूल आपका है पूरे दिन का, आज आप एक एस्टैब्लिश फैशन डिजाइनर जी, लेकिन एस्टैब्लिश फैशन डिजाइनर होने के बावजूद आपका कोई शेड्यूल होता होगा पूरे दिन का, उसके बारे में कुछ बताएं, कितने घंटा काम करते हैं? सी मैं जो ज्यादा काम करता हूँ रात को, मैं इलस्ट्रेशन वगैरह का काम करता हूँ लगभग 2-2.5 घंटे, उसके बाद मैं सुबह उठता हूँ तो अपना काम वगैरह, पहले स्टोर वगैरह जाता हूँ, क्योंकि आई हैव 2 स्टोर्स एज ऑफ नाउ, एक तो मेरा बिशंबर नगर डलगेट में और दूसरा मेरा पुलवामा में है, तो दोनों स्टोर पे अगर नहीं पहुंच पाता हूँ तो एक स्टोर पे कम से कम विजिट करता हूँ, उसके बाद वहाँ पे थोड़ा सा हालात वगैरह देखता हूँ और अभी क्या लोगों को दिखाना है, जो हम एक आउटलेट वहाँ पे रखते हैं मेन्यू क्यून में, वो मैं अपनी टीम के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ फैक्ट्री पे जहाँ मेरे कारीगर वगैरह होते हैं उनके साथ हाई हेलो, क्योंकि आज विंटर ज्यादा कॉम्पिटिशन है कान के रिद की है, तो उनके साथ वो माहौल बनाने के लिए सो देट, क्योंकि बाहर के मेरे कुछ कारीगर हैं जिनको यहाँ पे सर्दी बहुत ज्यादा लगती है, उनको गर्म रखने के लिए बातों का यूज कर सकते हैं. एग्जैक्टली. तो उसके बाद बस मेरे हिसाब से 5 to 8 hours इज एनफ. अच्छा शाहिद साहब, माशाल्लाह तुशु के साथ स्टोर पर नजर दिवा था आज, क्योंकि आप PhD भी कर रहे हैं, तो PhD अच्छ पर्टिकुलरली आसान रिसर्च पेपर से, तो तुम PhD कट पर बेसिस, हाँ उसके बारे में बताइए. मैं छु थीसिस इंशाल्लाह डाइंग क्राफ्ट सब कश्मीर, यथ मज पेपर माशी की मैं बात कर रहा था, और जो सबसे जो मेजर इशू अभी चल रहा है वो पिंजराकारी का है. अच्छा. जो हार्ड क्राफ्ट माना जाता है पिंजराकारी, वनान इस कार्विंग करान विद हैंड, जो आप ओल्ड या तो यूज ना एंसेस्ट्रल मकान जो तिमन मच तिम बोल, मतलब तिम छ जो आपके स्टूडियो में है तिम हूबहू यही होता है, बट वो हाथ से बना होता है, ये मशीन मेड है, तो ये एक बहुत ही बड़ा उस चीज को ये कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है, उस चीज पे एक फोकस रहता है. और दूसरा आपका आता है एम्ब्रॉयडरी, आप अभी देखेंगे मार्केट में वो सॉफ्ट क्राफ्ट में आता है, उसमें आप देखेंगे कि अच्छे उनके पैच वर्क अवेलेबल, जिस आर्टिजन को एक महीने के 10,000 मिलते थे, 5,000 मिलते थे, वो बेचारा अभी घर पे बैठा है क्योंकि आपको 200 में अभी पैच मार्केट में मिल रहा है. तो वो एक चीज जो एक सॉफ्ट क्राफ्ट है उस पर हम फोकस कर रहे हैं. तो उसके बाद ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो अभी मिसिंग है, ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो मैं अभी कर रहा हूँ 72 टोटल क्राफ्ट अभी बचे हैं.
72 टोटल हार्ड एंड सॉफ्ट बचे हुए और जो बाकी ऑलमोस्ट खत्म हुए। अभी ये एग्जैक्टली नंबर नहीं कितना क्या था, बट उसमें मैं अभी हेल्प ले रहा हूँ कुछ जो मैं अभी निफ्टी की बात कर रहा था। आई हैव अ मेंटर जो जिसके जो ही शुड यू नो टीच मी अबाउट फैशन मैनेजमेंट एंड ऑल क्राफ्ट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट से ही यासिर साहब छु तिमन नाव, तो तिम से मैं हेल्प उनकन करान, तो ही इज अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन रिगार्डिंग द क्राफ्ट क्राफ्ट एजुकेशन एंड ऑल। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ क्राफ्ट है जिम उनके अनस रहमित, तो हमारी यही कोशिश है तिम से ऐसे वापस आने। तुम पफर मज कंटिन्यूसली लगित नो यूथ यहां फैशन डिजाइनिंग कुन यून तिम खर क्या ये तुम वन तम हेकना ये अगर यून तम कित पा हन फील्डस मन जाए बन आराम से सी। एक इंसान को पहले अपने आप को स्कैन करना होता है, ठीक है। तो मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूँ और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी एक मे बी एक सीख हो सकती है। हम पहले क्या बोलते हैं कि पढ़ उतरा इतना सी, लेट्स गो टू दिस सिंगिंग, ठीक है। एक हमेशा बेशुन आसान मेरे हिसाब से एक ही गोल जिंदगी में मत रखो, क्योंकि प्लान बी के साथ बिकॉज ऑफ द फैक्ट अगर हम सुसाइडियल रेट सोचना उनके सुसाइड लोग ज्यादा या यूथ क्यों ज्यादा कैश करें, बिकॉज उनका जो एम है वो फेलियर हो जाता है, क्योंकि तुम सोचता अब कोई अख रास्ता पकड़ना। उसके बावजूद अगर हम एक काम करेंगे अपने आप को ब्राउज करना है, स्कैन करना है, कोई ना कोई टैलेंट आप में होगा, कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ताला चीज बनाईमित इस हंगते मंगे बनाई के युद्ध काल इसका टैलेंट आज के स्किल आज के पहचानने की जरूरत, पहचानने की स्कैन करने की जरूरत है अपने आपको। एंड साइड बाई साइड आप पढ़ाई करें, आपको नहीं लगता है कि पढ़ाई में आपका ठीक जा रहा है, आपके पास पता है ना आपके पास स्किल है, स्किल है। उस पे फोकस कर दोनों चीजों को साथ भी चला सकते हो। अगर आख चीज है कि चलो दूसरी चीज है कि चले, सो दैट आप अपने आप को कैरी कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद रशीद भट्ट साहब आपका, आज बहुत अच्छा लगा आप हमारे स्टूडियो आए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इतनी सारी बातें हमारे साथ की, हमारे देखने वालों के लिए इतनी खास बातें आपने शेयर की कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मंजिल हासिल कर सकते हैं। हम आपके लिए दुआगो हैं कि आप आगे बढ़े, अपनी मंजिल जो आपने गोल टारगेट सेट किया है वो आपको अचीव हो जाए। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाजरीन ये थे शाहिद रशीद भट्ट साहब, एक फैशन डिजाइनर हमारे कश्मीर से, जिनसे आज हमने गुफ्तगू की और उम्मीद करते हैं कि आपने आज का ये शुमारा पसंद फरमा होगा जैसे हमने एंजॉय किया। तो आज मुझे और मेरे साथी वसाफ जीलानी को दें इजाजत इसी अपनेपन के साथ कि आप अपना ख्याल ढेर रखेंगे, खुश रहेंगे और अपने अपनों के साथ हमेशा बने रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।